आज से ही ट्राई करो कि आने वाले 15 दिनों के अंदर ना मैं सारे सेक्शनल मॉक लगा डालूंगा। तो 25+ शिफ्ट के अंदर ना आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, देखो आपको A4 साइज का पेज लेना है, 45 हार्ड डे चैलेंज मेरे को करना ही है, सामने दीवार पे चिपका दो। याद रखना आपके जो नंबर आएंगे ना वो ऐसे करके ही आएंगे। तो करंट अफेयर कौन सा आपको करना है, तो ऐसा जो स्टूडेंट कर लेगा ना उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद में उनके अंदर ये देखो कि मेरे इनमें से कौन कौन से टॉपिक है हो गए एंड कौन कौन से बाकी है, एंड कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस भी हो गई। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, आपको पता है कि RRB JEE की डेट आ चुकी है, यानी कि RRB की तरफ से ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऐसे मान के चलो। अचानक है जो सडनली वाला सरप्राइज होता है ना, वो वाला सरप्राइज है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ही मान लो ऐसे शॉक हो चुके हैं कि यार कि अभी तो फॉर्म भर गए थे 1 मंथ पहले और अभी है ना डेट आ गई हमारे पास, यानी RRB JEE वालों के पास ओनली ना 60 दिन है, 2 मंथ ही मान के चलो, 2 मंथ ही है एग्जाम के। किस प्रकार से होगा, कैसे होगा एग्जाम, बहुत पास में सिलेबस किस प्रकार से कवर करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखो। इसके अंदर मैं ना ऐसे आपको ना टॉप 10 यानी कि आज के जो तो डाउट है ना, मेजर डाउट है वो बताऊंगा, उनके सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको जो भी सब्जेक्ट से डर है वो आप कम टाइम में कहाँ से किस प्रकार से कर सकते हो, करंट अफेयर कौन सा आपको करना है, एंड मतलब कहते हैं ना कि इजी वे में आपको ना बिना पेनिक के आप कहाँ से किस प्रकार से कर सकते हो। तो मैं ये 10 पॉइंट 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ एक प्रकार से ना, तो वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब अभी से कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर जरूर से कर देना गाइस। सच बता रहा हूँ, ओनली आप ये काम कर लो अगर आपका सिलेक्शन आप चाहते हो ना, मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और मैं जितने बंदों को जितने स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ ना उनका बेस्ट रिव्यू है एक प्रकार से, ऐसे मान के चल लो है ना। तो ये आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है ठीक, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ ना आपको वैसे वैसे अगर आप फॉलो कर लोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, बट आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे 2-3 टाइप के स्टूडेंट के, जिनका मैं सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है और जिनका सिलेबस मतलब रिमेनिंग है थोड़ा सा ना, 10 पॉइंट बताऊंगा सारे देखना ठीक है। तो अपन पहले पहले पॉइंट के तरफ चलते हैं ना, देखो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस अभी के टाइम पे आज के टाइम पे जैसे ना, मतलब एक स्टूडेंट जिन्होंने ना SSC JEE की तैयारी की थी है ना ठीक है, एंड उनका SSC JEE के अंदर नहीं हुआ था, देन फिर वो ना RRB की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उनको मान के चलो अभी ना 2 मंथ प्लस मिल गए हैं, तो 2 मंथ के अंदर उन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कर लिया होगा है ना। मान के चलो तो अपन ना 50 से 60% प्री का बता रहा हूँ, ओनली RRB प्री का 50-60% सिलेबस कर लिया होगा, या जो काफ़ी पहले से लगे हुए हैं उन्होंने मतलब 80+% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो पहली बात तो बिना कोई डरे बिना कोई पैनिक किए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है आराम से है ना। किस प्रकार से करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट आपका एम आज के टाइम पे ही होना चाहिए कि मेरा कंप्लीट सिलेबस मेरे पास हो, 100% हो, ऐसे नहीं कि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है एंड आप ना एग्जाम देने चले गए, ऐसा आप मत करना। रीज़न यही है कि मतलब वही बात है कंपटीशन का मतलब, आपको ये पता मैं हमेशा से बताता हूँ, कंपटीशन का मतलब वही है जो आपको आता है ना, जो आप कर सकते हो वो किसी को और को नहीं आना चाहिए, ऐसे मतलब आप मान के जो मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, कोई सपोज में एग्जाम्पल DI का कोई क्वेश्चन आ गया, बाकी स्टूडेंट DI नहीं करके गए बट आप DI करके गए हो, तो आपका वो सही हुआ बाकी का सही नहीं हुआ, इसका मतलब आपके +1 नंबर आएगा एक प्रकार से, बाकी का नहीं आएगा, तो वही कंपटीशन का मतलब होता है। तो पहली बात आपको सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट करके जाना है ना, आगे बताता हूँ मैं किस प्रकार से कैसे करना ठीक है। दूसरी बात दो आराम से की मतलब ऐसे डरना नहीं है बिल्कुल भी कि यार ये मतलब मेरे पास आए थे बहुत सारे DM में से, टेलीग्राम पे भी आ गए, व्हाट्सएप पे भी आ गए है ना, मेंटरशिप के स्टूडेंट के भी आ रहे कि भैया आप किस प्रकार से करेंगे एग्जाम, इतनी पास में आ चुके मैं तो मैथ बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैथ में कहाँ से करूँ, साइंस के क्वेश्चन ही पता नहीं आ रहा, अभी कहाँ से पूछ रहे हैं मेजर मतलब कोई ऐसे यूज वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, पहले पैनिक नहीं होना, इजी वे में लेके चलना है, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो वही बात है कि घबराहट के अंदर यानी कि अपना करने की बजाय अपना उल्टा कर पाओगे, उसका ना आपसे स्टडी हो पाएगी ना आपसे कुछ हो पाएगा है ना। देखो पहली बात तो अब ये आ गई इंपॉर्टेंट बात है ना, ये अपना गौर करना है इस बात के ऊपर ठीक है। जो आपके पास एक A4 साइज का पेज होना चाहिए, और ये काम है ना जो अगर मतलब मेरी वीडियो देख रहा है एंड आप सीरियस हो स्टडी के लिए ना, तो आज ही आपको ये काम करना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है एक प्रकार से है ना। जो आपको A4 साइज का पेज लेना है, सपोज आप मैं मैथ के ऊपर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ना, तो मैथ के अंदर आप अपना टॉपिक लिखो, एक तो अपने अर्थमेटिक का है ना एडवांस का सारा टॉपिक लिखो, कि सारे पहले सिलेबस लिखो कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, जैसे स्टार्टिंग नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, SCF LCM हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मेरे अंगुलियों पर भी याद है सारे, इस प्रकार से आप वो सारे टॉपिक्स लिखो, एडवांस लिखो, मेन स्टूडेंट 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा जियोमेट्री कोऑर्डिनेट DI प्रोबेबिलिटी PNC ऐसे सारे टॉपिक आप लिखो, आगे बात समझे है ना। उसके बाद में उनके अंदर ये देखो कि मेरे इनमें से कौन कौन से टॉपिक है हो गए एंड कौन कौन से बाकी एंड मीन कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस भी हो गई, ऐसे टिक लगा लो उनके आगे कि मेरे ये टॉपिक हो चुके हैं,
अपना आधी 1 घंटे, वही कहते हैं कि अपन कोई काम करने से पहले अपन अगर उसकी रणनीति, अपना रणनीति बना लेते हैं ना, यानी उसका प्लान बना लेते हैं, उसका रोड मैप बना लेते हैं, ये एक प्रकार से रोड मैप भी मैं बता रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे आप रेंडमली पढ़ रहे हो उससे मज़ा नहीं आएगा, प्लान बनाओ, रोड मैप बनाओ, बेस्ट रहता है ठीक है स्टडी के लिए, कम टाइम में स्टडी वही सही मायने रखती है। तो इस प्रकार से आपने ये टॉपिक लिखो, है ना, टॉपिक लिख के देखो कि मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरे को ये टॉपिक मेरे को करने बाकी है। एंड आपके पास उनका सोर्स भी होना चाहिए, जैसे सपोज मैथ के अंदर आपके ना कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बाकी है, सपोज अर्थमेटिक के अंदर ओनली ये टॉपिक बाकी है, तो आप ये देखो कि यार मैंने पेड कोर्स ले रखा है वहाँ से ना इसकी 40 क्लासेज है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने ना CGL लेवल का ले रखा है, और ये फैक्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने CGL लेवल का ले रखा है, तो उसके अंदर एक एक टॉपिक के अंदर 40 40 क्लासेज है, 50 50 क्लासेज, ऐसे क्लासेज है, तो वो स्टूडेंट अब देखो इतनी अपने पास 2 मंथ है, 2 मंथ के अंदर अगर वो ऐसे क्लासेज लेके लेके बैठेगा ना कि मेरे को 40 क्लासेज कंप्लीट करें फाउंडेशन से करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे। अगर उनको लगता है मैं कर लूँगा देन वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट अगर ये लगता है कि यार ये इजी टॉपिक है, मैं ना ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि ना मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं आराम से कर लेंगे ना, मेरे को ना ये मैं प्रैक्टिस से भी कर सकता हूँ आराम से, ऐसा टॉपिक है, तो आप यूट्यूब पे है ना, मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को सर DM कर देना, फिर मैंने ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा आपको, मैं 2 प्लेलिस्ट भेजूंगा, तो वहाँ से आप करके देखना, है ना, बहुत बेस्ट है प्रकार से वो प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, आगे बात समझ लो ना। तो कहने की बात ये है कि आप, और आप ना रेंडमली वैसे भी ना आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, कोई भी एक टॉपिक का नाम लिखोगे ना तो जिसके ज़्यादा व्यू है, मतलब जो पॉपुलर टीचर है अच्छा करवाता है उसके वो क्लासेस देख लो, मतलब उसके आपके कम टाइम में वहाँ से बेस्ट हो जाएगा, और अपने RRB JEE के अंदर इतना हार्ड आता भी नहीं जैसे इतना NTPC में आता है, जितना बाकी मतलब RRB के अंदर में और एग्जाम आती है, अपना JEE में बहुत ईजी आता है, आप चाहे PYQ एनालाइज करके देख लो, तो आपके पास ऐसा एक होना चाहिए, ऐसा ही मैथ के अंदर, ऐसा ही रीजनिंग के अंदर एंड ऐसा ही साइंस के अंदर। रीजनिंग में तो वो ये टॉपिक है यानी क्लेंडर क्लोक वाला टॉपिक मैक्सिमम का रिमेनिंग होता है, क्योंकि SSC में वो नहीं आता है प्रकाश, तो इस प्रकार से आपको वो करना पड़ेगा, आपके पास ऐसा पूरा शेड्यूल होना चाहिए। करंट अफेयर देखो कि मेरे पास करंट अफेयर मैंने पहले का कितना किया, उनको आप रिवाइज करो, न्यू करंट अफेयर मेरे को कौन सा करना है वो आप देखो, उसको ये भी देखो कि मेरे को किस टाइम पे करना है, कितने मेरे को टाइम लगेगा इसके अंदर, किस सोर्स से करना है, कहाँ से करना है, यूट्यूब से करना है, यूट्यूब से कौन से चैनल से करना है वो आप देखो, है ना। तो आपके पास आने वाले 2 मंथ का पूरा रोड मैप, देखो मैं आपको रोड मैप बता दूँ बाकी टीचर बता देंगे, बट जब तक आप खुद नहीं बनाओगे ना आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आप खुद का रोड मैप बनाओ कि आने वाले 2 मंथ के अंदर मेरे को ये टॉपिक है ना, जैसे मेरे मैथ के ये टॉपिक बाकी है तो मैं आने वाले 15 20 दिनों में ये कंप्लीट कर लूँगा, साइंस के मेरे ये सब्जेक्ट बाकी है, बायो के अंदर मैं ये टॉपिक बाकी है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक बाकी है, तो मैं आने वाले टॉपिक में ये कंप्लीट कर लूँगा, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, है ना। ऐसे आप करोगे ना तो आपका प्लान भी बहुत अच्छा बनेगा, आपको मज़ा भी आएगा करने का, ठीक है ना। आपको सोर्स पढ़ना होना चाहिए, 4th नंबर पॉइंट क्या कि जो आपके टॉपिक नहीं है ना उनके आपको सोर्स पढ़ना, यूट्यूब पे गए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत बेस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वहाँ से आप यूट्यूब से करने की ट्राई करो ना, मैथ का कोई टॉपिक बाकी है डायरेक्ट सर्च करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। और यूट्यूब के बारे में करने के बाद आप प्लस ये हो देख लें कि मतलब टेस्ट बुक पे जाके उसके सेक्शनल मॉक लगा लो, PYQ सेक्शनल मॉक लगा लो, बस मोर देन सफिशियंट है, बहुत बहुत काफ़ी है, सच में काफ़ी है, फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो फिर ओनली ना, है ना। अब देखो बात करते हैं ना टेक्निकल की, अब मेजर एक और डाउट है कि टेक्निकल को हम स्किप करें या नहीं करें, ये डाउट आ रहा है, तो क्या टेक्निकल को आप स्किप कर सकते हो अभी के टाइम के लिए, मैं कह रहा हूँ ना, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ना टेक्निकल मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, वो स्टूडेंट 1 या 2 घंटे टेक्निकल अभी के टाइम पे पढ़ सकता है, क्योंकि आगे स्टेट की एग्जाम भी बहुत है ना। और ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्हें SSC में अच्छा किया है ना, मतलब जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, वो स्टूडेंट अभी टेक्निकल जैसे स्किप कर सकते हैं, वो ओनली नॉन टेक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका रिविजन बाकी है तो वो बाद में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप भी आधी 1 घंटे करना चाहो तो कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निकल आप स्किप कर सकते हो, नॉन टेक पे जितना ज़्यादा आप लगा सकते हो जो लगा दो, प्री के ऊपर लगा दो, ये देख लो अपने पास टाइम कितना मिलेगा, मैं आपको अभी बता दूँ ना टाइम, RRB JEE के मेंस के लिए अपन को कितना टाइम मिलेगा, लास्ट टाइम ना ऐसे मान के चलो 75 डेज नियर मिले थे, तो इस बार भी इतना 3 मंथ मान लो, मत 2.5 मंथ से लेकर 3 मंथ अपन कह सकते हैं, इतना अपन को टाइम मिलेगा, ठीक है, अपन को इतना टाइम मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। आगे अपन बात करें तो टेस्ट बुक के, अपना आज की तारीख से ही जितने आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, आज की तारीख से ही जितने टॉपिक्स आपके सारे हो चुके हैं ना, जैसे आपने सपोज मैथ के अंदर अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक कर लिए होंगे, साइंस के अंदर आपने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली होगी, फिजिक्स कर ली होगी, केमिस्ट्री कुछ भी आपने कर लिया होगा, तो उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट बुक के सारे लगा डालो, आज से ही ट्राई करो कि आने वाले 15 दिनों के अंदर ना मैं सारे सेक्शनल मॉक लगा डालूंगा, आगे बात सुने, आने वाले 15 दिनों के अंदर मैं सारे सेक्शनल मॉक लगा डालूंगा, ये आपको ट्राई करना ही है
ठीक है, आगे बात समझे है ना। देन आपको फुल मॉक, फुल मॉक कितना, ये यहाँ पे ना ये जो सेक्शनल मॉक है ये आपको 10-10 क्वेश्चन के PYQ, पहले आप PYQ ही लगा लेना सही रहेगा है ना। ए 10-10 क्वेश्चन के मिल जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन के भी, एंड 20 क्वेश्चन के भी, एंड 30 क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे है ना, हर सब्जेक्ट के, मतलब हर उसके साइंस के, रीजनिंग के, मैथ के, उस प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फुल मॉक आपको कितना लगाना है, कहाँ से लगाना है, कितना लगाना है। तो टेक्स्ट बुक से ही लगाना है 15 दिन, आप ये करना है 15 दिन के बाद में आना आपको 45 डे का पर डे का एक मॉक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है SSC की तरह कि मैं एकदम से ज़्यादा टफ हो गया, यहाँ पे हम बहुत ईजी रहता है ना 45 डे को आपको पर डे के हिसाब से एक मॉक लगाना है 45 डे का। ऐसे मान लो जैसे ना यूट्यूब पे वायरल चीज़ है, जैसे 75 हार्ड डे चैलेंज, ऐसे ही मान लो 45 हार्ड डे चैलेंज मेरे को करना ही है, सामने दीवार पर चिपका दो ये चैलेंज मेरे को करना ही है। आगे बात समझिए, 40 डे हार्ड डे चैलेंज मेरे को करना ही है पर डे का एक, और एक ना एक चार्ट बना के उस चार्ट के अंदर ऐसे लिख दो day 1, day 2, day 3, day 4, आज मेरे कितने नंबर बने हैं, अगले दिन मेरे कितने बने हैं, अगले दिन मेरे को इतने बने, और ये जब तक आपका 45 डेज हो जाए ना कंटिन्यू 5 दिन तक, 40, 41, 42, 43, इस प्रकार से आपके 80+ नंबर बनने चाहिए यहाँ तक, जब तक आप ये मौका लगाओगे। और ऐसा जो स्टूडेंट कर लेगा ना उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लेता हूँ उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा जो कर लेगा वो। आगे बात सुने, ऐसे आपके पास एक कोई भी है ना बड़े से पेज के ऊपर लिख के अपने दीवार पे चिपका दो कि आने वाले इस तारीख से मैं फुल मॉक लगाना स्टार्ट करूंगा, जैसे आपका सिलेबस 80 या 90% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, आपको 45 डे के 45 आपको फुल मॉक लगाने हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मॉर्निंग में लगाओ, उठते ही मॉक लगाओ, ऐसे मान लो है ना, मॉर्निंग आपका माइंड भी एकदम से पूरा फ्रेश होता है उस टाइम पे, उस टाइम पे फुल मॉक लगाओ, और जो आपसे फिर ना उसका आधे घंटे या एक घंटे उसका एनालाइज भी कर लेना आप, ताकि फिर आपको पता चल जाएगा, जैसे आपके साइंस में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने, कोई न्यू टॉपिक आ गया, उनको आपको नोट डाउन कर लेना, तो ये आपको करना है ठीक है 45 डे का। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की है ना, जो करंट अफेयर कौन सा करना है, कहाँ से करना है ना, अपना जो अपने उत्कर्ष वाले हैं ना गौरव, ए कुमार गौरव सर, उनका कर सकते हो, बेस्ट है ना। तो उनके जो जुलाई 2023 के SSC जो स्टूडेंट SSC वाले हैं ना, जिन्होंने SSC की तैयारी की थी अपने JEE वाले ना, तो उनका तो ये 23 वाला कंप्लीट होगा, और यहाँ तक भी ना जैसे अपने जून में जुलाई में अपनी एग्जाम हुई थी जून जुलाई में, तब तक का ना भी कंप्लीट होगा, तो उनको ओनली इसके बाद के करना है, या फिर जिनका रिमेनिंग है तो ये देख लो जुलाई 2023 से लेके नवंबर 2024 तक का आपको करंट अफेयर करना है ना। इसको आप मान के चलो ना तो 15 नवंबर ले लेना ओनली, नवंबर का कंप्लीट भी नहीं कर दो है ना। करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आते हैं ना जो पूछे ही जाते हैं, उसके लिए ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से लेके आऊँगा, तो अपना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो है ना, बेल आइकन दबा देना एंड शेयर जरूर से कर देना ठीक है। उसके लिए मैं आपको अलग से पूरा मतलब हर टॉपिक के लिए बताऊंगा, जैसे साइंस के लिए हो गया, साइंस में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग में कौन सा है, मैथ में कौन सा है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, तो आप जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ठीक है। आगे बात करें तो GK पार्ट के अंदर, अब देखो GK जिसका पहले से पढ़ा हुआ है ना वो बहुत अच्छा है ना, यानी जिसको ओनली रिवीजन की रिक्वायरमेंट, जिन्होंने SSC के लिए पढ़ा था उनको ओनली रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे, यानी उनका रिवीजन कर लेना। बट जो स्टूडेंट फ्रेश है, जो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से या ना, या फिर जो मतलब उनको डीपली रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, जो भूल चुके हैं एकदम से, तो वो है ना आप ऐसे पूरा कंप्लीट लेके मत बैठना। अगर आप 2 मंथ में कर सकते हो ना कंप्लीट, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कंप्लीट, क्योंकि इसको मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट है एक प्रकार से है ना। तो आपको जो ओनली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ओनली वो करने हैं ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, और ये श्योर है, आप PYQ उठा के देख लो, मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया है, जैसे एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूँ मैं ना, पॉलिटी है तो पॉलिटी के में आर्टिकल आना श्योर है, 100% श्योर है। जैसे अपन मान के चलो लास्ट टाइम 36 शिफ्ट हुई थी, 36 शिफ्ट हुई थी, तो उसके अंदर अपन मान के चले ना तो 25+ शिफ्ट के अंदर ना आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, आएगा ही आएगा, और यहाँ से आप एक नंबर आराम से ला सकते हो। कहाँ से ला सकते हो आराम से, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे लिखो आर्टिकल, यूट्यूब पे आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल ट्रिक्स लिख दो, आपको 20 से 22 मिनट की कोई वीडियो मिलेगी, 20 से 22 मिनट की आपकी कोई वीडियो मिलेगी, उसको देख लो, 2-3 बार देख लो, उसको नोट डाउन कर लूँ, बस आपका एक नंबर आ गया। ऐसे मत सोचो कि कहीं से मैं कर लूँ मेरे 5 नंबर आ जाए, ऐसे नहीं होगा, याद रखना आपके जो नंबर आएंगे ना वो ऐसे करके ही आएंगे। आगे बात समझे, 1+1+1 करके ही आएंगे, आपको ये ही बिट बाई बिट रूप के रूप में ना आपको अपने नंबर तैयार करने होंगे, आपके नंबर आएगा ना 1+1+ इसी प्रकार से आएंगे, ये बात याद रखना। तो आपको एक एक नंबर आपको कहाँ से किस प्रकार से लाना है वो आपको याद रखना। तो जैसे ना आर्टिकल हो गया, आर्टिकल कंप्लीट कर लो, एक नंबर आपका यहाँ से आ गया है ना, जैसे और ना एम्बेगमेंट हो गया, वहाँ से क्वेश्चन कर लो,
ज्योग्राफी के अंदर रिवर से क्वेश्चन आता ही आता है, रिवर कर लो, है ना। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, स्टैटिक जीके के अंदर स्पोर्ट्स देख लो, स्पेस का करंट अफेयर देख लो। और अपन उसके स्टैटिक में जाते हो ना, ए क्लासिकल डांस, फोक डांस हो गया, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट देख लो। हिस्ट्री के अंदर भी है ना, जो हड़प्पा वाले क्वेश्चन हो गए, वहाँ से आते ही आते हैं आते हैं, तो इस प्रकार से देख लो। अशोक वाले क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन बात, कि आपको डेली स्टडी 12 आवर प्लस करनी पड़ेगी। करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जो है सीरियस है वो कर रहे हैं, क्योंकि मतलब वो तो अलग बात है, कोई ऑफिस बेस के ऊपर वो तो 6 से 7 घंटे करो, बट जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली स्टडी के बेसिस है ना, तो गाइज मान के चल लो ओनली 2 मंथ है, 2 मंथ के अंदर अगर आप 12 घंटे प्लस पर डे के हिसाब से स्टडी कर लोगे ना, आपको कुछ नहीं जाएगा। ये हो जाएगा कि 2 मंथ बाद के अंदर मेरी हैप्पी न्यू ईयर आएगी ना, तो मेरी प्री है ना वो क्वालिफायर होगी एक प्रकार से, ये आप मान के चल लेना, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ना सारे मेरे जो मैं 10 पॉइंट यहाँ पे बताए हूँ ना, 10 पॉइंट बताए हूँ, वो आपको अच्छे प्रकार से क्लियर होंगे, क्योंकि पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये पॉइंट होने वाला है, A4 साइज के अंदर अपना सिलेबस लिखो मेरा कितना कम्प्लीट है कितना नहीं है, आगे बात समझे। सेकेंड बात ये है कि हमेशा पढ़ो, डेली पढ़ो और बहुत अच्छा पढ़ो, है ना। सब्सक्राइब जरूर से कर देना, लाइक कर देना, और शेयर जरूर से कर, जितने भी आप अपने दोस्त यार हैं उनको शेयर जरूर से कर देना, ठीक। और टेलीग्राम पे नहीं आए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, और मैं आपको अभी बता दूँ हमारी एक ना NCS स्टोर भी है वहाँ, जहाँ पे है ना आपको बहुत अच्छे मतलब अभी ऑफर भी चल रहे हैं ना, तो NCS स्टोर है उसकी भी लिंक ना यहाँ पे मिल जाएगी ना, वहाँ पे बहुत अच्छे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है तो वो भी आप ना वहाँ से बाय कर सकते हो बहुत कम मतलब प्राइस के अंदर ना, ठीक है। थैंक यू गाइज।